नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका टेक्निकल जीए में। मैं हूँ गैसुद्दीन और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने मोबाइल से वॉइस टैग से बना सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने सॉफ्टवेयर में आना है। सॉफ्टवेयर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कैसे आप इसको हिंदी फीमेल में वॉइस टैग बना सकते हो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहा हूँ। मेरा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हिंदी में फीमेल वॉइस टैग कैसे बनाया जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं अपने सॉफ्टवेयर में आ चुका हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसमें सेटिंग कुछ कर लेते हैं। सेटिंग इधर से करना है। आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यही लैंग्वेज छोड़ देना, ये हिंदी में ऑलरेडी किया हुआ है इसलिए हिंदी में ही छोड़ दे रहा हूँ। इसके बाद बैंक पर आ गया। फिर इसके बाद यहाँ आपको हिंदी में लिखना है। हिंदी में लिखना है मतलब कि जैसे मैं लिख के आपको बता रहा है, डीजे राहुल। अब इसको बैक कर देना है इजीली। ये वाला जो बटन दिखा रहे हैं ना, मिडिल वाला, इस पर क्लिक कर देना है। ये आपका प्रोसेसिंग हो रहा है। प्रोसेसिंग होने जी जी राहुल, ये इसको प्रोसेसिंग होने के बाद ये इसके यहाँ पर एक बार दबाइए, फिर ये प्ले होगा। जी जी राहुल, देख रहे हैं इसका साउंड भी अच्छा आ रहा है। अगर आप यहाँ नाम भी चेंज करना चाहते हो, वो नाम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैं लिख रहा हूँ डीजे शंकर। शंकर इसके बाद बैंक में आ जाना है। फिर इसके बाद प्ले वाला बटन पर क्लिक कर देना है। फिर देखिए आपका ये वॉइस टैग बन चुका है। डीजे शंकर, इसको आप प्ले भी कर सकते हैं यहाँ से। डीजे शंकर काफी अच्छा साउंड है। चलिए अगर आप इस वॉइस टैग को यहाँ पर सेव करना चाहते हैं, तो ये जो बटन दिख रहा है ना, ये फाइल वाले बटन, इस पर आप क्लिक करके इसको सेव करते हैं। अगर इसका आप लुक चेंज भी करना चाहते हैं, चेंज भी करके इसको ऑन करके सुनते हैं कैसा आवाज देता है। डीजे शंकर, डीजे शंकर, डीजे शंकर, मतलब कि इसमें आपको डीजे शंकर बार बार यही बोलेगा। डीजे शंकर ऑफ कर देते, डीजे शंकर। फिर इसके बाद ये चेंज वाले बटन में सेव कर लेते हैं इसको। यहाँ देखिए दोस्तों, ये माइक जो दिया है ना, इसमें आपको आप बोल कर भी अपना वॉइस टैग बना सकते हैं। यहाँ ये है साउंड इफेक्ट का। ये देखिए साउंड इफेक्ट का मतलब आपको जैसा साउंड में चाहिए वैसा इधर में कंप्रेसर है, डिस्टोर्शन है, इचो है, फ्लेंगर है, गर्गल है, रिवर्ब है, वॉल्यूम है, स्पीड है, क्रॉस है, कंप्रेसर है। इसमें मतलब जो भी आप फंक्शन इसमें सेट करना चाहते हैं, अपने हिसाब से इसमें आप सेट कर सकते हैं। तो आइए बताते हैं, बैंक में आते हैं। अगर इसको सेव करना है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए एक बार। और यहाँ पर आप अपना फाइल का कुछ नाम लिख दीजिए, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ शंकर। चलिए इसको सेव पर क्लिक कर दें। देखिए आपका सेव हो चुका है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।